सबसे पहले तो यार सॉरी, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाया, इसलिए रिव्यू करने में थोड़ा देर हो गया। इसलिए अब और देर नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्पॉइलर फ्री रिव्यू की तरफ। तो इस रिव्यू को मैं 100% स्पॉइलर फ्री रखूंगा, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे मैंने मूवी एंजॉय किया वैसे ही सारे सुपर हीरो फैंस करें। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमने 10 साल इस मूवी का इंतजार किया है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, और उनसे अच्छा इस मूवी को कोई और डायरेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एक साथ इतने सारे कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर दिखाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और ऊपर से रूसो ब्रदर्स के पास कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस था। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में वही सारे कास्ट हैं जो कि हमने पहले देखे हैं, इसलिए जिसने भी एमसीयू की पिछली मूवीज नहीं देखी है उन्हें इन्फिनिटी वॉर तो समझ ही नहीं आएगी। इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछली मूवीज देख लें, फिर इस मूवी का मजा उठाएं। इतने सारे कैरेक्टर्स का एक साथ होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि सारे सुपर हीरोज को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, जिससे ये जरूर लगता है कि काश हम इन्हें थोड़ा और देख पाते। लेकिन इस सब को कवर किया इस मूवी के मेन विलन यानी कि थैनोस ने। थैनोस को देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये इतना बड़ा विलन क्यों है। मेरी माने तो अभी तक जितने भी सुपर हीरो मूवीज आए हैं उनमें से सबसे खतरनाक विलन थैनोस ही होगा, क्योंकि थैनोस ही एक ऐसा विलन है जिसे लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि एवरी विलन इज अ हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी, और ये लाइन बिल्कुल थैनोस के लिए लिखी गई है। आप अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को थैनोस की मूवी भी कह सकते हैं। अब थैनोस की बात हुई है तो चिल्ड्रन ऑफ थैनोस का भी जिक्र हो जाए, क्योंकि उनसे अच्छे और पावरफुल साइडकिक्स शायद ही किसी विलन को मिले होंगे। और रही बात सारे कैरेक्टर्स की सीजीआई की, तो वो बिल्कुल पॉइंट पे थी, आपको जरा भी नहीं लगेगा कि असल में वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब बात कर लेते हैं सारे सुपर हीरोज के बारे में। तो मुझे ये जरूर फील हुआ कि सुपर हीरोज को ज्यादा स्क्रीन पे दिखाया नहीं गया, बट जितने भी सुपर हीरोज दिखे उन सब की एंट्री देखने लायक थी। ना चाहकर भी हर हीरो की एंट्री पर आपकी चीख जरूर निकल जाएगी, और हर सुपर हीरो आपको एक अलग ही अंदाज में सरप्राइज देगा। मूवी के सारे एक्शन सीन्स इतने कमाल के हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खास करके थॉर के एक्शन सीन्स। बस इतना समझ लीजिए कि थॉर रैग्नारोक जैसी ही यहाँ भी उसकी एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे 10 times ज्यादा एक्साइटिंग वे में। और सिर्फ थॉर ही नहीं, सारे सुपर हीरोज के एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के एक्शन सीन से कोई भी निराश होगा, और इसी बीच कॉमेडी और पंच लाइंस तो होंगे ही, जैसा कि हम हर मार्वल की मूवीज से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस मूवी में नया था इमोशनल टच, जो कि एमसीयू की कम ही मूवीज में दिखता है। I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, using your made-up names. Then I am Spider-Man. अगर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को कुछ शब्दों में कंक्लूड करने के लिए बोला जाए तो मैं इसे एक इंटरटेनिंग, एक्शन, इमोशनल एंड मोस्ट शॉकिंग मूवी बोलूंगा, क्योंकि हर सीन आपको इंटरटेन भी करेगी और नेक्स्ट लेवल वाला शॉक भी देगी। और मूवी की एंडिंग कुछ ऐसी है कि मैं तो स्पीचलेस हो गया था, और ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, इसलिए अगर आप वैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मूवी जरूर देखने जाएं। और अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख लिया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। और हाँ, इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मूवी के एंडिंग तक अपने सीट पे जरूर बने रहें। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, तो यार मैं रेटिंग देने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए आप सब बताओ कि आउट ऑफ 10 आप इसे कितने स्टार्स दोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। आज की लाइक टारगेट है 12,000 लाइक्स, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। और इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड और भी कमाल के कंटेंट्स आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी करो। इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और चिल्ड्रन ऑफ थैनोस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।